अरे कृष्णा, ओपनहाइमर मूवी में एक अश्लील कार्य करते हुए जो भगवद गीता पढ़ी जा रही है, रिसाइट की जा रही है, ऐसे बताया गया है, इसके बारे में भगवद गीता की दृष्टि से क्या दृष्टिकोण है? इसको मैं 3 D में बताऊंगा, और पहले D का जो भाव है वही 3 D में फर्दर आता है, डिस्गस्टिंग, डिसअपॉइंटिंग, डिस्ट्रेसिंग। तो सबसे पहली बात यह है कि जब मैं कोई मूवीज पे कमेंट करता हूँ तो मैं मेरे कमेंट को रिव्यू नहीं कहता हूँ, मैं मूवी को रिव्यू नहीं कर रहा हूँ। उस मूवी में अगर कोई कोई ऐसे आध्यात्मिक, सांस्कृतिक या तत्वज्ञानी कोई उल्लेख है, कोई संबंध है, तो उसको मैं अपने कमेंट्स में, अपने वीडियो के द्वारा उसको कुछ इलैबरेट करता हूँ, उस पर कुछ रोशनी डालने का प्रयास करता हूँ। तो यहाँ पे ओपनहाइमर मूवी मैंने देखा है, ना मैं रेकमेंड करता हूँ किसी को देखने को ये। और मैंने भविता पे कई लेख लिखे हैं, और कई बार जो विश्व भर के अलग अलग विचारवंत लोग हैं उन्होंने भगवद्गीता के बारे में क्या बताया है उसके बारे में भी मैंने एक लेख लिखा है, भगवद्गीता द वाइज ऑन गीता विजडम। तो उस लेख के लिखते समय मैंने तब से काफी सालों से भी पहले से पता है कि ओपनहाइमर ने ये कहा था, भगवद्गीता से एक श्लोक बताया था, जब उसने जब हम एटम बॉम्ब का टेस्टिंग हुआ था। तो जब ये मूवी आया, और जब मैंने जो अमेरिका में पहले रिलीज हुआ था ये, तो उसमें जब मुझे पता चला कि ये इस तरह से ये श्लोक उसमें बताया गया है, तो फिर मैंने अपना वीडियो बनाया उसके बारे में। साधारणतः जब मैं वीडियोस बनाता हूँ तो मैं अगर कोई डायरेक्ट धार्मिक या सांस्कृतिक कोई थीम उस मूवी में बताया जा रहा है, जैसे OMG या PK मूवीज थे, तो तभी मैं वो मूवीज देखता हूँ। बाकी मूवीज देखने की ना तो मुझे ज्यादा रुचि है, ना उसमें मुझे ज्यादा समय है मेरे पास। मैं मूवीज के रिव्यूज पढ़ता हूँ, और फिर उससे कुछ सीन्स अगर कुछ रेलिवेंट है तो देखता हूँ, और फिर उसे कमेंट करता हूँ। तो ये सबसे पहले, ये इस प्रकार से ये भगवद गीता कोई व्यक्ति मैथुन कार्य कर रहा है उस समय, उस इस मूवी में जो डिपिक्ट किया है, तभी उसको पूछते हैं क्या ये किताब पढ़ सकते हो आप? हाँ, पढ़ के दिखाओ मुझे, और वो पढ़ता है। तो अभी ये इस तरह से जो किया गया है, ये डिस्गस्टिंग है, ये बहुत निराशाजनक है, ये बहुत एक तरह से घृणास्पद है, ये दुखदायक है। तो अभी लाखों करोड़ों लोग जो है भगवद्गीता को एक धार्मिक दृष्टि से बड़ा मौल्यवान ग्रंथ मानते हैं, एक सेक्रेड, एक पवित्र ग्रंथ मानते हैं, और जिन्होंने ये मूवी बनाया है, क्या उनको इतनी भी संवेदनशीलता नहीं हो सकती थी कि इस प्रकार के डिपिक्शन से, ऐसे दिखाने से, ये कितना इनअप्रोप्रिएट है, कितना अनुचित है, कितना इनकम्पैटिबल है, कितना बिल्कुल ये एक दूसरे का विरोध, ये जो दिखाया जा रहा है उसके पीछे साथ जो भाव है, कितना विरुद्ध है, ये समझ नहीं पाए। ये न केवल दुर्भाग्य की बात है कि भाई ये दुख की बात है। तो ये भारतीय लोग ऐसे कह, जैसे नहीं कि भारत के एक विश्व के एक कोने में है, भारतीय लोग जो है, हिंदू लोग जो सारे विश्व भर में है, वो प्रभावशाली भी है। तो उस डेमोग्राफिक के बारे में विचार न करना इन लोगों के बारे में, ये एक तरह बहुत डिसअपॉइंटिंग, डिस्टर्बिंग, डिस्ट्रेसिंग, डिसगस्टिंग है ये। और वो इसी से दूसरा पॉइंट आता है डल हेडेड, कि जो डायरेक्टर बड़े विख्यात हो सकते हैं, पर इस प्रकार से जब अभी वो कह सकते कि हमारा आर्टिस्टिक लाइसेंस है, हमारी ये जो क्रिएटिविटी के लिए हमको ये फ्रीडम चाहिए, हमको रचनात्मक कुछ से कुछ से कुछ दिखाने के लिए हमको स्वतंत्रता चाहिए। हाँ, चाहिए, वो ठीक है, पर वो जो भी आप रचनात्मक, आप क्रिएटिविटी दिखाना चाहते हैं, उसका वो क्रिएटिविटी का कंपैटिबिलिटी होना चाहिए। बाकी जो कैरेक्टर के बारे में बताया जा रहा है, जो चीज बताई जा रही है उसके साथ किससे से मिलता है, देखना चाहिए। तो या ये तो ये डायरेक्टर ने ये सोचा नहीं, ये उनको दिखाना अगर है कि ओपनहाइमर कितना बुद्धिमान है, कि न केवल वो ऐसे पढ़ सकता है गीता, पर वो गीता पढ़ के वो उसको दर्शा रहा है, और
वो ऐसे कार्य करते समय भी दर्शा सकता, गीता पढ़ सकता है। उसकी बुद्धि दिखाने के और बहुत से माध्यम थे, और इतिहास में जहां तक तो उसकी बायोग्राफीज है उसमें उसने ऐसे किया है, ऐसा कोई प्रोमिनेंट वर्णन तो नहीं आता है। तो भी व्यक्ति अपने बेडरूम में क्या करते हैं ये साधारण दुनिया को बताते नहीं है, और बताते भी है तो भी उसको डिपिक्ट करने की क्या जरूरत है। रोज उससे तीसरा पॉइंट आता है डिस्कॉर्डेंट। इस प्रकार से जो सेक्सुअलिटी का, सेक्सुअल एक्टिविटी का जो पब्लिक से, पब्लिक में डिपिक्शन करना, उसका उसको दिखाना, यह भगवद्गीता की शिक्षाओं के बिल्कुल विपरीत है। भगवद्गीता कहती है कि जो काम वासना होती है वह अनियंत्रित होने की संभावना बहुत होती है। जब वो अनियंत्रित हो जाती है तो फिर वह एक बहुत ही भयावह राक्षस के समान जाती है, जो सब कुछ ग्रहण कर सकते हैं, जब कुछ भक्षण कर सकते हैं, जो हमारी मानवता, हमारी नैतिकता, हमारी बुद्धि, हमारा अध्यात्म, हमारा चरित्र, सब कुछ विनाश हो सकता है। इसीलिए महा महाशनो महापाप मा, गीता के तीसरे अध्याय 37 श्लोक बताया गया। और इसीलिए तस्मात् त्वम इंद्रियाण्य आदौ, कि हमें इंद्रियों को नियंत्रण करना चाहिए। इसका मतलब क्या है, जो इंद्रियों न केवल व्यक्ति को इंद्रियों का नियंत्रण करना चाहिए पर समाज को भी ऐसे दर्शाने में नियंत्रण करना चाहिए ऐसे कार्य को। और उतना ही नहीं, उसके ऊपर से अगर हम देखते हैं कि ये जो बताया जा रहा है वह एक पवित्र चीज को बताया जा रहा है, तभी तो कोई कहेगा कि अगर कोई भगवद्गीता पढ़ता है, भगवद्गीता सुनता है, कहीं भी सुनता है, तो क्या उसका उसके लिए अच्छा नहीं है? क्या भगवद्गीता पवित्र पवित्र नहीं है? क्या वो दूसरों को पवित्र नहीं बना सकती है? क्या ये भगवद्गीता की पवित्रता इतनी इतनी कम है कि ऐसे कार्य के करने से भगवद्गीता की पवित्रता कम हो जाएगी? नहीं, ये भगवद्गीता की पवित्रता कम होने की बात नहीं है। और कहीं भी एक तरह से व्यक्ति स्मरण करता है तो भगवद्गीता का, तो वो अच्छा ही है। पर जब ऐसा स्मरण, ऐसा कोई पढ़ रहा है, यह दिखाया जाता है, तो जो दिखाया जाता है तो उससे लोगों के मन में भगवद्गीता के बारे में स्मरण नहीं आता है। उसके मन, उसके द्वारा वो जो भौतिक इंद्रिय तृप्ति का कार्य किया जा रहा है उसका स्मरण आता है, और फिर उसकी छवि भगवद्गीता के साथ बैठ जाती है, तो वो एक नकारात्मक प्रभाव हो सकता है उसका। तो इसलिए ये डिस्कॉर्डेंट है, ये जो है भगवद्गीता के शिक्षाओं के विपरीत है। और कई लोगों ने ये याचना किया, ये डिमांड किया है, मांग की है कि ये जो सीन्स है उस मूवी से निकाल दिए जाए। और वास्तव में ये मूवी को कोई लॉस नहीं है अगर वो सीन्स निकाल दिए जाए, तो जो उसकी मेन कहानी है, जो मेन पात्र है उनकी कहानी है, वो उसके बिना भी आगे बढ़ सकती है अच्छी तरह से। तो हम आशा करते हैं कि वो सीन्स को निकाल देंगे। ओवरऑल ऐसा जो इस प्रकार से डिपिक्शन है भगवद्गीता का, वो 3D के दृष्टि देखा, सबसे पहले वो डिसगस्टिंग, डिस्ट्रेसिंग, डिसअपॉइंटिंग है। और ऐसा ऐसा करने में कुछ गलत नहीं समझा, वो डायरेक्टर ने समझा, भारत के सेंसर बोर्ड ने नहीं समझा, वो डल हेडेड है। और ऐसा ऐसा कार्य करना, और ऐसा खास करके एक पवित्र ग्रंथ के साथ ऐसा कार्य करना, ये गीता के शिक्षाओं के डिस्कॉर्डेंट है। हरे कृष्णा।